हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सारे लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहो, क्योंकि अच्छे रहने से ही जो है ना हमारा फ्यूचर भी अच्छा बनेगा। सो मिस्टर विनोद सर इज हियर, वेलकमिंग टू यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल VS इंग्लिश एकेडमी। आज इस वीडियो में खास करके आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा कहना था, जब सिखाता हूँ इंग्लिश ग्रामर या फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर करते, राइटिंग स्किल की, क्वेश्चन आंसर की या फिर कम्युनिकेशन की बात होती है, तो उनको पता ही नहीं चलता है या फिर पता ही नहीं होता है कि भाई कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ यूज करना चाहिए। तो इसलिए उन सभी लोगों के ये सारे डाउट्स क्लियर आउट करने के लिए, सॉल्व आउट करने के लिए, खास करके आपके डिमांड्स को, आपके कमेंट्स को रिस्पेक्ट देते हुए ये आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रोनाउन के साथ, किस नाउन के साथ, किस पर्सन के साथ हम किस प्रकार का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। समझ में आ गया? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अपने टॉपिक का नाम ही कैसे है, किसके साथ क्या, किसके साथ क्या मतलब कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज करना है और साथ में किस टेंस में उसका यूज किया जाता है। थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट माइनस प्लस होने की वजह से क्वालिटी में माइनस प्लस दिखेगा, क्योंकि अचानक से जो ना जो लाइट हमारा बड़ा था वो खराब हो गया, टेक्नीशियन को बुला है, वो रिपेयर कर देगा। लेकिन इसके पहले हम इसके ऊपर फोकस करते जाने दो। प्रॉब्लम्स हजारों रहेंगे जिंदगी में, लेकिन प्रॉब्लम्स इसको जो चीर फाड़ करके आगे निकलता है ना, वही सक्सेसफुल हो जाता है। तो उसी प्रकार की बात है, मैं बोला पढ़ना नहीं रुकना चाहिए। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हम बात करना है या फिर लिखना है तो आई के साथ हमेशा ही एम आएगा, आई के साथ हमेशा ही एम आएगा, क्लियर। उसके बाद अगर सेंटेंस में इस प्रकार का प्रोनाउन आता है ही शी इट या फिर एनी सिंगुलर नाउन, जैसे कि मेरा नाम, आपका नाम या किसी हमारे दोस्त का नाम, लता का है, महेश का है, रमेश का है, गीता का है, सरिता का है, अमूल का है, इस प्रकार से अगर नाम आता है किसी का भी प्रॉपर नाउन, ठीक है, या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, उसके साथ हम यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज का। क्या यूज करेंगे? इज। आई के साथ हमेशा ही एम आएगा, आई के साथ और कुछ दूसरा कोई हेल्पिंग वर्ब हम यूज नहीं कर सकते, क्लियर। उसके बाद आता है ये यू, दे, वी या फिर एनी प्लूरल नाउन, वी के साथ, सॉरी यू के, दे, उसके साथ साथ वी और एनी प्लूरल नाउन अगर हमें यूज करना या फिर आता है या फिर इनमें से किसी एक का एज अ सब्जेक्ट हम यूज करते हैं, तो उस समय में सिंपल प्रेजेंट में ही हम क्या यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे, जैसे कि यू आर, दे आर, वी आर या फिर एनी प्लूरल नाउन, मतलब पीपल आर, ठीक है, विलेजर्स आर, काउस आर, स्टूडेंट्स आर, बॉयज आर, गर्ल्स आर, ठीक है, गर्ल्स आर प्लेइंग, बॉयज आर फाइटिंग, People are asking, we are taking food, वगैरह वगैरह। और यहाँ पे he is my friend, she is a doctor, it is flying, any singular noun, जैसे कि राम is playing, ठीक है, लता is reading, तो इस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट में ये वर्ब्स का यूज होता है। देखो कौन से है, am is are, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा आता है, प्रेजेंट परफेक्ट, देखो दो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक हैज होता है और एक हैव होता है। अब किसके साथ क्या यूज करेंगे? He, she, it या फिर एनी सिंगुलर नाउन अगर आता है तो उसके साथ हम यूज करेंगे हैज का। बात समझ में आ गई? हैज का यूज करेंगे, आएगी 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 और आ रही है ना, आ रही है, बात समझे। ही शी इट या फिर एनी सिंगुलर अगर नाउन है, जैसे सिंगुलर नाउन आपका नाम, मेरा नाम, हमारे अंकल आंटी का, हमारे भैया सिस्टर का, टीचर का नाम, तो उसके साथ आएगा हैज। अगर हम बात करें कौन से टेंस है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बीता हुआ, बीता हुआ मतलब जो ऑलरेडी हो चुका है। जैसे कि कहना है कि मेरे दोस्त ने उसका होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, इसका मतलब एक्शन इज कंप्लीटेड, तो ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, क्लियर। और हमें पता है परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, तो ही हैज कंप्लीटेड, शी हैज कंप्लीटेड, इट हैज कंप्लीटेड या फिर एनी सिंगुलर नाउन, जैसे कि रमेश हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, क्लियर हो गया। उसके बाद हैव किसके साथ लगेगा? हैव लगेगा आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन के साथ हैव का हम यूज करेंगे। व्हाट इट, हैव का यूज तब होता है, तब आई, यू, वी, दे या फिर कोई भी अगर प्लूरल नाउन आता है तो उस समय में हम हैव का यूज करेंगे। और ये दोनों रहेंगे, ये दोनों जो है ना किसमें यूज किए जाते हैं, हमारे सिंपल, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में। और ये जो सारी चीजें है, ठीक है, ये कब यूज की जाते हैं, ठीक है, ये यूज करेंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब बात करेंगे, जैसे कि हमें यहाँ पे कहना है आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, We have learned English grammar, you have learned English grammar, they have learned English grammar, any plural noun, students have learned,
इंग्लिश ग्रामर, बॉयज हैव लर्न इंग्लिश ग्रामर, गर्ल्स हैव लर्न इंग्लिश ग्रामर, गॉट इट। इस प्रकार से परफेक्ट टेंस में हैव का यूज करेंगे, किसके साथ क्या आता है वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, अब हैड, हैड किसके साथ आएगा, हैड सभी के साथ आता है, मतलब कोई भी प्रॉपर नाउन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, सभी के साथ जो है ना हैड का यूज किया जाता है। उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शनल वर्ब हेल्पिंग वर्ब हम किसी के साथ यूज नहीं कर सकते, मतलब सभी के साथ हैड यूज करते हैं। और हैज किस टेंस में यूज किया जाता है, हैड होता है हमारा यूज पास्ट परफेक्ट टेंस में, गॉट इट। अब सामने चलते हैं कुछ, हाँ इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को कि डू किसके साथ, डस किसके साथ और डीड किसके साथ यूज किया जाए। ये तो समझता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो जाती है। तो देखो प्रेजेंट टेंस में डू और डस दोनों में से एक का यूज किया जाता है, मतलब दोनों यूज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देयर नंबर वगैरह वगैरह। सो प्रेजेंट टेंस के कौन से, डू और डस। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रेजेंट टेंस डू और डस। अब डू किसके साथ, डस किसके साथ, तो डू यूज किया जाता है आई वी दे यू, ये नहीं प्लूरल नाउन के साथ डू का हम यूज करेंगे, गॉट इट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। देखो डू किसके साथ यूज करेंगे हम, आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, एनी प्लूरल नाउन के साथ हम डू का यूज करेंगे। और डू या फिर ये जो हेल्पिंग वर्ब जिसकी हम बात करेंगे, एक अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर करना है, सेंटेंस को निगेटिव करना है, या फिर जनरली इनका यूज जो है ना कहाँ पे होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। वर्बल टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो है इनका हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, समझे। चलो जैसे कि डू यू लाइक दिस पेन, डू यू लाइक दिस पेन, डू वी लाइक दिस पेन, क्या हमें वो पेन पसंद है, डू दे लाइक पेन, क्या उनको वो पेन पसंद है, डू बॉयज लाइक दैट पेन, क्या वो बच्चों को पसंद है, डू गर्ल्स लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्या लड़कियों को पसंद है क्रिकेट खेलना। तो इस प्रकार से सेंटेंसेस स्ट्रक्चर करने के लिए हम डू का यूज करेंगे, लेकिन बात है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। अब सामने चलते हैं डस का यूज कहां पे किया जाता है, डस का यूज होता है इन के साथ, ठीक है। अगर सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट या फिर राइटिंग करते समय बोलते समय हम अगर इस सब्जेक्ट का यूज करें, किसका, ही शी इट या फिर एनी सिंगुलर नाउन के साथ हम डस का यूज करेंगे, जैसे कि डज ही लाइक पेन, डज शी लाइक पेन, डज इट लाइक पेन, या फिर डज राम लाइक पेन, गॉट इट। इस प्रकार से हम हेल्पिंग वर्ब के मदद से हमने क्या किया है, वर्बल टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है, ठीक है। ये हो गया डस का, ये है डू और डिड, सॉरी डू और डस कहां पे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब आती है बारी डीड की, डीड कौन से टेंस में यूज किया जाता है, डीड यूज किया जाता है पास्ट टेंस में। कौन सा पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर करना है तो फिर हम डीड का यूज करते हैं। अच्छा किसके साथ यूज किया जाएगा डीड, उसके लिए कोई है क्या रूल, तो देखो आई के साथ, मतलब सभी के साथ डीड यूज किया जाता है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे डीड आई के साथ यूज करेंगे, वी के साथ यूज करेंगे, दे के साथ, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, नहीं ऐसा कोई रूल नहीं है। डीड ये ऐसा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, जो सभी नाउन प्रोनाउन के साथ, सभी पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सभी नंबर के साथ, मतलब सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, लिविंग नाउन, नॉन लिविंग नाउन, मतलब लिविंग के नाम, नॉन लिविंग के नाम, मेरा नाम, आपका नाम, सभी के नाम के साथ जो है ना डीड का यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। जैसे कि डू आई कंप्लीट माई वर्क, डू आई कंप्लीट माई वर्क, क्या मैंने मेरा वर्क कंप्लीट किया है। यही अगर पास्ट टेंस की बात करते हैं तो डीड आई कंप्लीट माय वर्क, देखो डीड आया है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म। और यही बात अगर मुझे पास्ट टेंस में कहना है जहां पे डीड का यूज नहीं करना है तो फिर मैं क्या करूंगा, देखो सेंटेंस बनाते हैं, डीड आई कंप्लीट माय वर्क, क्या मैंने मेरा वर्क कंप्लीट किया है। इज इट क्लियर। इसको अगर हम वर्बल टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पास्ट टेंस में अगर बनाते तो डीड का अगर यूज नहीं करेंगे तो फिर वह सेंटेंस नहीं बनेगा। इसीलिए जैसे कि I did my work, मतलब मेरा मैंने वर्क किया है, उसके साथ साथ I did complete my work ऐसा भी हो सकता है सेंटेंस। सो आपको समझ में आ गई है ये कंसेप्ट कि किस नाम के साथ, किस नाउन के साथ, किस पर्सन के साथ, किस प्रोनाउन के साथ एम इज आर ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं किस टेंस में कौन सा यूज किया जाता है, गॉट इट। तो आई होप ये सारी कंसेप्ट जो है ना आपकी क्लियर होगी। देखो ध्यान देना, सिंपल प्रेजेंट की अगर बात करते हैं तो आई के साथ हमेशा एम का यूज करेंगे, ही शी इट या फिर एनी सिंगुलर नाउन है तो इस का यूज करेंगे, यू दे वी या फिर एनी प्लूरल के साथ हम आर का यूज करेंगे, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अच्छा ठीक है, परफेक्ट टेंस में किसका यूज करते हैं, अरे भाई परफेक्ट टेंस में है हमारे दो हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज, हैव का यूज होता है आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, उसके साथ साथ यू सिंगुलर भी यूज किया जाता है और उसके साथ साथ
प्लूरल के सेंस में भी यू का यूज किया जाता है। तो दोनों कंडीशन में जो है ना, चाहे वो आप सिंगुलर यूज करो या फिर एज अ प्लूरल यूज करो, लेकिन आर का ही, सॉरी हैव का ही यूज होगा। परफेक्ट टेंस में हैज का यूज ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या फिर किसी के नाम के साथ, मतलब सिंगुलर अगर नाउन है तो हैज का हम यूज करेंगे। और डू डज इनमें से मैंने बता दिया कि डू किसके साथ यूज होता है, आई के साथ, वी के साथ, दे, यू या फिर एनी प्लूरल नाउन के साथ डू यूज करेंगे। लेकिन कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और डज का यूज किसके साथ रहेगा? ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नाउन। आई होप कि अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया, क्योंकि रिवाइज करके दिया हूं मैंने। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ अलग अंदाज में, अलग टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो। आपके लाइक करने की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है हमारे इंस्पिरेशन के लिए, ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो जो है ना आपकी सेवा में हम पेश करें, ताकि आपकी पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा तरीके से वो मदद करेगा नॉलेज, और आप आगे बढ़ते जाओगे, आपके सक्सेस में उसका अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करो, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में हर एक जगह तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचाओ, ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाए। बगल में दिया हुआ बेल आइकन दबाना ना भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा आपके मोबाइल पर जैसे ही एक नए टॉपिक को लेकर वीडियो अपलोड की जाएगी हमारे चैनल पर। इसके साथ साथ अगर इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कुछ कंफ्यूजन है, क्वेरी से या फिर कुछ पूछना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। या फिर अगर कोई नया टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, धोखा लग रहा है कि नहीं इसकी वजह से हमारे मार्क्स जाते हैं, तो फिर इस टॉपिक को कैसे क्लियर करें, तो हम है ना भाई, मिस्टर विनोद सर इज हियर एंड वीएच इंग्लिश अकेडमी दिस यूट्यूब चैनल इज हियर इन सर्विस ऑफ यू स्पेशली। ठीक है, तो कमेंट करो, वो टॉपिक भी उससे रिलेटेड वीडियो जल्दी से जल्दी आपको अवेलेबल किया जाएगा, करके दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। विशिंग all the best, take care।